सब्सक्राइब कीजिए AQTech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास स्मार्ट टीवी में एप्टॉइड टीवी ऐप ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, स्लो ओपन हो रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको स्मार्ट टीवी में आने के बाद यहाँ पर ऐप्स के सेक्शन में आना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्टॉइड टीवी को आपको ओपन कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइड में यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है। फिर आपको यहाँ पर प्रेफरेंस में आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कैचे, आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर डिलीट कैचे का ऑप्शन है, आप यहां पर ओके कीजिए। उसके बाद आप यहां पर रिमूव डाटा एंड कॉन्फ़िगरेशंस, तो आपको इस पर भी क्लिक कर यहां पर आपको ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास जो है एप्टॉइड टीवी का ऐप जो है वो रिसेट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये एप्टॉइड टीवी का ऐप जो है टोटली यहां पर रिसेट हो गया है। उसके बाद आपको बैक आना है। उसके बाद दोस्तों आपको स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पर ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सी ऑल ऐप्स के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्टॉइड टीवी शो हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक कर ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर ओके कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्टॉइड टीवी का डाटा जो है यहाँ पर क्लियर हो गया है। उसके बाद आपको बैक आना है, यहाँ पर होम स्क्रीन में आना है। फिर आपको स्मार्ट टीवी को आपको एक बार जो है रीस्टार्ट कर देना है। यहाँ पर रीस्टार्ट के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको पावर ऑफ कर पावर ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एप्टॉइड टीवी ऐप जो है ठीक से वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास भी स्मार्ट टीवी में एप्टॉइड टीवी ऐप ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।